Salam ji, this is my first YouTube/video tutorial. Okay, setup subs on hai. Dua karein ke green screen kar jaye. Acha, kafi log mujhse puchte ki aapne Lahore wali video mein aasman kaise badla aur F-16 kaise add kiye. So this video is specifically for that. Okay, mazak kar raha hu. Kisi ne mujhse nahi pucha. Scene ye hai ki mujhe channel monetize karwana hai, uske liye mujhe 1000 subscribers chahiye aur 4000 screen time chahiye. So please help your fellow brother out. Okay. साथ में मैं आपको ट्यूटोरियल भी दे दूंगा कैसे कि मैंने कैसे किया. ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ बिग थिंग. तो लेट्स जंप इनटू इट. सबसे पहले ये एक सिंपल सा शॉट है बादशाही मस्जिद का जिसमें मैं आसमान बदलूंगा और F-16 ऐड करूंगा. ठीक है, सब ज़रूरी ये है कि जो कलर आपने काटना है वो बहुत डिस्टिंक्ट होना चाहिए. ठीक है, तो इसको और डिस्टिंक्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले इस पर कॉन्ट्रास्ट ऐड करेंगे. कॉन्ट्रास्ट ऐड करने के लिए आप ज्योमेट्री कलर यूज़ करें और कर्व्स में जाएं. बेसिकली आप बेसिक करेक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी कि ये आपके हाईलाइट्स हों. हाईलाइट्स को आप और हाईलाइट करें, शेडोज़ को आप और शेडोज़ बनाएँ, तो ये आपके पास एक कॉन्ट्रास्टी इमेज आ जाएगी जिसमें आपको वाइट्स बहुत ज़्यादा सेपरेट हो चुके हैं. अब आपने फाइनली ये करना है कि आपने इफेक्ट्स पैनल पे जाना है, यहाँ पे अपने लिखना है अल्ट्रा की, ये आपने ड्रैग करना है, इस पर नीचे जाएं, ये ऑप्शन सेलेक्ट करें और वाइट पे अप्लाई करना. ठीक है, वाइट पे अप्लाई करना. उसके बाद आप मैट जनरेशन में जाएँ, यहाँ पे आप इसके साथ थोड़ा सा इसको एडजस्ट करें, हाइलाइट्स, शेडोज, ये वो. ये तो ख़राब हो रहा है. ये तो नहीं अच्छा हो रहा, ये क्या हो रहा है? ओ भाई, ओ भाई चन, ओ पायन, ओ ऐसे अच्छा नहीं हो रहा, वो ऐसे चंगा नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? पहले कैसे हो गया था? ओह अच्छा, सही करना पड़ता है ना जी, करना पड़ता है. थोड़ा सा खेलना पड़ता है आपको इसके साथ. मैं भी बिगिनर हूँ, मैं भी खेलता रहता हूँ थोड़ी देर. उसके बाद कुछ टाइम के बाद यू गेट द परफेक्ट इमेज. अब जब आपको लगे कि हाँ ये कलर जो है आपका ब्लैकआउट हो गया, इसका मतलब ये कलर निकल चुका है यहाँ से, उसके बाद आपने अपना आसमान जो आपने ऐड करना है वो आप इसके नीचे अप्लाई करें. ठीक है, ये आसमान हो गया बस. इसको क्योंकि बड़ी इमेज है, आप इसको ड्रैग आउट करें. आई गेस दैट्स फाइन. उसके बाद अगर थोड़ा सा आपके एजेस बच भी रहे हों तो आप सिंपल ये कर सकते हैं कि आप क्रॉप आउट कर दें, क्रॉप में और टॉप से थोड़ा सा क्रॉप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. थोड़ा सा बस, दैट्स इट. क्रॉप आउट हो गया आपका. अब आप डिस्टिंक्टिवली देखें कि ये थोड़े स्पेसेस हैं, यहाँ से भी आपको आसमान नज़र आ रहा है. इसीलिए हम अल्ट्रा की यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास ये थोड़े से जो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं ना, ताकि रियलिटी की तरफ वो लगे. उसके बाद फाइनली आपने जहाज़ ऐड करने हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी यूट्यूब से निकाले हैं शॉर्ट्स. आप जहाज़ का शॉर्ट है, ये जहाज़ दूर से आ रहे हैं और यहाँ पर आकर स्लो हो जाते हैं और फिर निकल जाते हैं. हमें यहाँ करना है कि हमने दोबारा से अल्ट्रा की यूज़ करना है. अल्ट्रा की हमने इस पर पेस्ट किया, ड्रॉप से ग्रीन कलर सेलेक्ट किया, पूरा कलर निकल गया. हमारे पास सिर्फ ये जहाज़ रह गया. उसके बाद हमने इनके आने का शॉट रखना है. यहाँ से हमने क्रॉप किया, हम पीछे लिख के रेडर्स पहले एक और चीज़, क्योंकि जहाज़ यहाँ पे आके स्लोली जा रहे हैं, राइट, यहाँ स्लोली जा रहे हैं. हम चाहते हैं कि तेज़ी से गुजरें ताकि हमें स्पीड का पता चले. ठीक है, F-16 की स्पीड का पता चले. तो
तो हम यहाँ के स्पीड को इसके इंक्रीज कर देंगे ऑलमोस्ट लाइक 250%। पहले हम इसको रेंडर कर लेते हैं इंटू आउट। क्या है, क्या जहाज आ रहे हैं जी बच्चा ही मस्जिद के ऊपर से? तूने उतने से थोड़ा सा कंट्रास्ट क्यों नहीं डाला जहाज में? वो ब्लेंड नहीं हुआ ठीक है, थोड़ा सा नीचे कंट्रास्ट लगा देते हैं। लॉर्ड यार एक्सक्यूज मी, तू सिखा रहा लोगों को? ठीक से कहा। ये फाइनल शॉट, इसमें अगर तो आप काम उकाने वाली करें तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बेहतर है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और रियलिस्टिक चाहिए तो जब आप नॉर्मल नेकेड आई से जहाज को देख रहे होते हैं तो वो उसमें एक ब्लर आ रहा होता है, राइट, एक मोशन ब्लर होता है। वो अगर आप एक डायरेक्शनल ब्लर भी इस जहाज के ऊपर अप्लाई कर दें तो ये थोड़ा सा और रियलिस्टिक हो जाएगा। तो आप इफेक्ट्स पैनल लिखें डायरेक्शनल ब्लर, इसको उठा के आप इस शॉट के ऊपर डाल दें, दोबारा से रेंडर पर लगाना पड़ेगा। वारी है यार ये ट्यूटोरियल्स बनाना है, कैसे बनाते हैं सारे? ऊपर से पंखा भी नहीं चलाया हुआ क्योंकि ये उड़ेगी फिर ग्रीन स्क्रीन। डेडिकेशन। अब थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा, लेट्स सी यार ये जहाज को थोड़ा सा डायरेक्शनल ब्लर देखा आपने जो कि अच्छा था, इट्स स्टिल नॉट गुड। इसकी थोड़ी सी स्पीड तेज़ होनी चाहिए ताकि एक सिर्फ एक झलक नजर आए जैसे मेरी ओरिजिनल वीडियो के अंदर था। तो दिस वॉज द बेसिक, होप यू लाइक इट, ठीक है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो सारा होता है, और शो सम लव, थैंक यू।